हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए नए तारे का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पर्थ, ऑप्शन बी है ईडन गार्डन, ऑप्शन सी है शारजाह, ऑप्शन डी है बार्जिल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी शारजाह राइट आंसर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए नए तारे का नाम शारजाह है, यानी शारजाह राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है, मतलब इससे पहले वो नहीं भेजे हुए था। ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है इथोपिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी इथोपिया राइट आंसर है। यानी इथोपिया ने इससे पहले कोई भी उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेजा था, यानी पहला उपग्रह देश मतलब कि हाल ही में इथोपिया ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है, तो इथोपिया इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैक्सीन ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद इसका राइट आंसर है। यानी हाल ही में वैक्सीन ऑन व्हील की शुरुआत हैदराबाद ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अतुल कर्णवाल, ऑप्शन बी है प्रणय आहूजा, ऑप्शन सी है देवेश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी देवेश श्रीवास्तव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ECI के सुलभ चुनाव पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी नई दिल्ली राइट आंसर है। यानी हाल ही में ECI के सुलभ चुनाव पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एल एस सेरगिरी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी लेखक थे वे। यानी हाल ही में जिनका निधन हुआ है SL सेरगिल राव, वो लेखक थे, महान लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत अफगानिस्तान और किस देश के बीच दूसरी बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी ईरान राइट आंसर है। यानी हाल ही में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान ने भी साथ मिलकर के मतलब दूसरी बैठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के विकास के लिए ADB के साथ $790 मिलियन ऋण का समझौता किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। यानी हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ ADB के साथ $790 मिलियन की समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ARTECH की पांचवी संगोष्ठी कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी नई दिल्ली। मतलब हाल ही में ARTECH की पांचवी संगोष्ठी जो है नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी यूनिसेफ इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छठे कतर इंटरनेशनल कप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कांस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
असोचम के वार्षिक सम्मेलन को किसने संबोधित किया है, मतलब असोचम एक संस्था है इसको किसने संबोधित किया है। ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी नरेंद्र मोदी, भारत के नरेंद्र मोदी ने असोचम के वार्षिक सम्मेलन का संबोधन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन शीट की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है दिसपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली इसका सही आंसर है, यानी हाल ही में इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन शीट की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी ओडिशा राइट आंसर है। दोस्तों आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं, आप चाहते हैं प्रत्येक दिन इसी तरह सुबह सुबह आपको प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स मिल जाए, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए अगले दिन नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।